अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन बर्गर जो बहुत ही कम मेहनत में बनकर तैयार होगा और आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं और बहुत ही इजी और टेस्टी बर्गर है। चलिए तो हम फटाफट से इस चिकन बर्गर को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ले ली है बोनलेस चिकन और इसे हमें पतली और लंबी स्लाइसिस में काट लेना है और इसे अच्छे से वॉश कर लेनी है। अब हम इस चिकन की कोटिंग के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और चिकन को क्रिस्पी बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच राइस फ्लोर और 1/2 छोटी चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। और हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और देखिए, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक बैटर बना लेना है और हमें इसका बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही पतला बनाना है, बस ऐसा परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेना है ताकि इसकी चिकन पर अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो अब हम चिकन का एक पीस लेकर इस बैटर में इसको डिप कर देंगे। और देखिए, बस इस तरह से डिप करने के बाद अब हम इस चिकन को ब्रेड क्रम में डाल देंगे और ब्रेड क्रम की अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। ब्रेड क्रम की चिकन पर हम अच्छे से प्रेस कर कोटिंग कर लेंगे, सभी तरफ से अच्छे से कोटिंग करेंगे। देखिए, बस इस तरह से हमारी चिकन अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है, अब हम इस पीसीस को ऑयल में डाल देंगे और हमें चिकन को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि चिकन ऊपर से जले ना और क्रिस्पी भी हो जाए। और हमने चिकन को 5 से 6 मिनट तक दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर ली है और चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमने लिए है बर्गर बन और इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए है और इस चिकन की आवाज़ सुनिए कितनी क्रिस्प बनकर तैयार हुई है। तो अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दी है पत्ता गोभी और ओनियन स्लाइस और टोमेटो स्लाइस और इस पर चीज स्लाइस और फ्राइड चिकन। अब हम इस पर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर तंदूरी मायोनीज और अब हम इस पर रख देंगे 1/2 बन। और माशाल्लाह, हमारा बहुत ही झटपट और बहुत ही क्रिस्पी चिकन बर्गर बनकर तैयार हो गया है। और माशाल्लाह, सेम रेस्टोरेंट जैसा चिकन बर्गर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इस बर्गर को सर्व करेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी बर्गर बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।